हेलो दोस्तों, आज के मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज मार्केट जब ओपन हुआ था तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद दोस्तों अच्छी खासी तेज़ी भी देखी गई थी। दोस्तों सारे स्टॉक में लगभग आपको जो है पॉजिटिविटी देखी जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों जिसके वजह से मार्केट फिर से जो है डाउन सर्किट में चला गया और फिर आपने कुछ भी ख़रीदा तो आपको नुकसान हुआ। देखो, अभी आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है, चाहे मार्केट में 2000 प्लस का भी अगर तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। कितना? 2000 प्लस का, ठीक है दोस्तों। 2K प्लस का भी अगर आपको तेज़ी देखने को मिलेगा तो आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है। फाइनली जो है दोस्तों, मार्केट अगर आप देखो सेंसेक्स तो कितना नीचे, 2% के आसपास नीचे बंद हुआ है दोस्तों, 2 या 3% के आसपास। निफ्टी भी अगर आप देखना चाहो तो ये भी 2.5% के आसपास नीचे ही बंद हुआ है। तो अभी ही अगर मैं बोल रहा हूँ, कल के डेट में अगर निफ्टी में 5% की तेज़ी भी आती है तो आपको नहीं ख़रीदना है। कल के डेट का मतलब आने वाला कल दोस्तों, ये सप्ताह में आपको कब ख़रीदना है वो भी बताया जाएगा। बिलीव करो दोस्तों, जब मौका आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन ये जो आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, कभी कभी छोटा बहुत बाउंस बैक दिया जा रहा है मार्केट के हिसाब से और आप खरीद ले रहे हो तो आपको नुकसान होने का ज्यादा चांस है। इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मत खरीदो। ये जो मार्केट आपको दिखा रहा है दोस्तों, ये जो आपको मार्केट दिखा रहा है छोटा छोटा, ये जो बाउंस बैक दिखा रहा, ये जो है ये सीजनल है और ये नॉर्मल है। मार्केट कभी अप होता है तो फिर डाउन भी होता है, ठीक है, फिर अप होता है तो डाउन भी होता है। उसी तरह दोस्तों, जब मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट डाउन में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि हाँ नीचे जा रहा है नीचे, नहीं, मार्केट ऐसे करते हुए आएगा दोस्तों, ऐसे करते हुए और आपको फंसाते हुए। लेकिन अगर आप देखोगे तो फाइनली ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो मार्केट में आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कब तक आपको जो है मंदी देखी जाएगी और कब आपको खरीदना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो अभी और भी मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा मत खरीदो, निफ्टी और ज्यादा गिर सकता है। निफ्टी गिरेगा तो और आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, मार्केट में अगर आप देखना चाहते हो तो इंडिया के 4 या 5 ऐसे स्टेट हैं जो बंद कर दिए गए हैं दोस्तों, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे जैसे पूरा बंद है, आपको बिलीव नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इंडिया मैप दिखा के समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये है दोस्तों इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये कर्नाटका राज्य, ठीक है, ये कर्नाटका है दोस्तों। कर्नाटका के पास ही, मतलब दोनों साथ ही में है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कर्नाटका में ये जो बेंगलोर है, बेंगलोर में दोस्तों 6 ऐसे जो है ये पेशेंट्स देखे गए हैं दोस्तों जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, ठीक है। 6 पहले कितने देखे गए थे? पहले केवल एक ही था, एक ही पेशेंट था दोस्तों, एक ही पेशेंट था। आज के डेट में 6 है। और मैं ये बोलूँगा दोस्तों, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में भी कोरोना वायरस आ चुका है, 2 लोगों को लग चुका है। और मैं बोल रहा हूँ पूरा मार्केट बंद है, जितने भी हैं दोस्तों पूरा सुनसान। तो मैं आपको ये चीज़ देख के आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे देख लो यूपी बंद है दोस्तों, उत्तरा मतलब मध्य प्रदेश जैसे भी बंद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ अभी शांत नहीं हुआ है। पहले ये न्यूज़ आपको बताया जा रहा था कि पहले जो है कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, आ रहा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये न्यूज़ आपको वायरल करके बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का मेडिसिन आ चुका है, मेडिसिन आ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, गलत है, ये गलत न्यूज़ आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसे न्यूज़ में आप मत आइए। अभी मैं बोल रहा हूँ मार्केट और भी करेक्शन हो सकता है कहीं पर भी। देखो तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने पूरा कर्नाटका को ही दोस्तों यहाँ पर बंद कर दिया गया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने पूरे कर्नाटका को बंद कर दिया गया। और ये एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कर्नाटका दोस्तों एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टील की सबसे बड़ी कंपनी जिंदाल स्टील यहाँ पर ही है, जिंदाल पावर और बहुत सारे ऐसे कंपनी दोस्तों, यहाँ तक कि हमारे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर स्टील में देखा तो मित्तल भी यहाँ पर ही आने वाला था दोस्तों, यहाँ पर ही आने वाला था आजू बाजू में। तो इस ऐसे जैसे कंट्री को बंद कर दिया जा रहा है तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। और फैक्ट्री में दोस्तों चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, तो बताइए ये सिचुएशन में वर्कर को कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा काम करने में। और ये सिचुएशन में क्या शेयर का प्राइस अप होगा या क्या मार्केट अपर सर्किट में जाएगा? नहीं दोस्तों, मार्केट गिरेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो बीमारी है दोस्तों चारों तरफ में फैल गई है और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर नाकाबंदी कर दिया गया, प्रॉब्लम हो रहा है सबको। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मार्केट अभी नहीं सुधरेगा।
तो प्लीज़ एक या दो दिन के तेज़ी देखकर आप लोग, एक दिन या दो दिन इसमें 1000% का तेज़ी रहेगा यहाँ, ठीक है, 1000 पॉइंट का तेज़ी रहेगा दोस्तों। यहाँ पर भी मान लीजिए 500 या 800 का पॉइंट का तेज़ी रहेगा, तो आप खरीदिएगा मत प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मार्क आपको ख़रीदना कब है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम मार्केट को करेक्शन होना है 27 या तो 31% के आसपास आपको खरीदना है, ठीक है। ये दोनों के बीच में आप जो है अपना पोजीशन बना सकते हैं किसी भी स्टॉक में, ठीक है। इसके पहले आपको नहीं खरीदना है दोस्तों, ठीक है। अभी मार्केट 27% तक नहीं पहुंचा दोस्तों, ठीक है। 27% से हम 28% बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी गिरा है, 25% को टच कर दिया है मार्केट, ठीक है। 25% मार्केट गिर चुका है, लेकिन कितना गिरना कितना है दोस्तों, इसको 28% से अराउंड 32% के आसपास मार्केट गिरेगा, तब जाके आपको खरीदना स्टार्ट करना है इस दोनों बीच के लेवल में दोस्तों, ठीक है। अब भी अगर आपको तेजी दिखती है ये चीज में तो प्लीज मत खरीदेगा, ये रिक्वेस्ट है। एक या दो दिन के जजमेंट से हम नहीं बता सकते कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, तो ये रिक्वेस्ट है। अभी किसी भी तरह की खरीदारी मत कीजिए, नुकसान आपको होगा, ठीक है। अभी इस समय में, इस बुरे समय में आपको कैश रखना जरूरी है, तब जाके इस अपर लेवल को, ये अपर जो अगर अच्छे से अच्छे स्टॉक पकड़ लोगे तो आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, और सीधा आपको जो है अपर सर्किट में मार्केट आपको जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, अपने पास जितना हो सके उतना कैश रखना है, ठीक है। जितना कैश रखोगे उतना कम से कम प्राइस पे आपको स्टॉक भी मिलेगा, लॉस भी नहीं होगा जब आप खरीदोगे, तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था न्यूज़ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ इस मंथ तक आप खरीदारी मत कीजिए। मार्केट जब 3-4 दिन स्टेबल होगा और जितना मैंने परसेंट बताया उस परसेंट के आसपास आपको खरीदारी करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा दोस्तों। और जब मार्केट बॉटम बना देगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।